हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डेली ब्लॉग। तो आज 111वां दिन हो चुका है। दिन तो काफ़ी हो गए हैं बट आजकल तबीयत अच्छी नहीं रहती, इसलिए डेली ब्लॉग में एडिटिंग नहीं हो पाती। तो आप सोच रहे होंगे सुबह सुबह तैयार होकर मैं कहाँ आ गई हूँ, ये क्या है। तो जी मैं आपको बता दूँ, आज है अथर्व के स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे। तो बस मैं और मम्मी स्कूल पहुँच चुके हैं। ये है ITL पब्लिक स्कूल द्वारका, सेक्टर 9। ये मैं और मम्मी यहाँ स्कूल में चेयर पे बैठे हुए, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब इतना प्राउड फील हो रहा था ना एज ए मदर। देखिए आप पेरेंट होते हो ना, तो आपकी तबीयत क्या है ये और अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए हमेशा आगे बढ़ के रहना चाहिए। तो बस हम लोग पहुँच चुके थे, तब तक मैम इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि आगे जाके बैठो, वहाँ पर भी सीट खाली है। और यहाँ क्यूट क्यूट से बच्चे आ चुके थे। तो आप देख रहे होंगे कितने क्यूट से कैटरपिलर रेडी हो चुके हैं, आ चुके हैं। फिर ये बटरफ्लाई फ्लावर रेस के लिए बच्चे आ चुके थे। मतलब इतना अच्छा लग रहा था, इतने क्यूट क्यूट से बच्चे थे और इतना लाउड मेकअप किया हुआ था सारे बच्चों ने। यहाँ बच्चों ने बहुत प्यारा आ रहा। तो फाइनली अथर्व भी आ चुका था। आपने देखा कितना क्यूट सा ऑरेंज बना हुआ था। यहाँ पे बटरफ्लाई फ्लावर रेस भी होना स्टार्ट हो चुका था। मतलब धीरे धीरे काउंटडाउन स्टार्ट था। बच्चे मतलब पेरेंट्स मतलब इतने एक्साइटेड थे अपने बच्चों को, अपने क्यूट क्यूट से किडोज को देख करके कि सब वीडियो बनाने में रेडी थे। तो योगा बहुत ही अच्छा लगा। मतलब इतना अच्छा एफर्ट डाल के टीचर्स ने बच्चों को, इतने छोटे बच्चों को सिखाया था। हेड्स ऑफ टू ITL टीचर। बस यहाँ पे लॉन्ग फुट रेस स्टार्ट हो रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब आ चुकी है बारी अथर्व के रेस की। देखते हैं अथर्व क्या करता है रेस में, कर पाता भी है कि नहीं कर पाता है, बस देखते हैं। तो शो खत्म हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं बाहर लंच करने टू सेलिब्रेट। अथर्व कैसे लगा आपको रेस करके, अच्छा लगा? तो अथर्व रेस में आए हैं थर्ड। हम लोग आए हैं लंच करने। हम लोग क्या करें, हमने ऑर्डर किया था मिक्स वेज उत्तपम इडली डोसा, मतलब साउथ इंडियन खाना खाया और डकारा। चलिए फटाफट खाना खाते हैं। फिर क्या था, रात में भूख लगी थी सबको और लंच करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। रात क्या था, अभी इवनिंग ही था, तो मैंने सोचा कुछ अच्छा सा बना देते हैं। तो फटाफट मैंने बनाया था
ढोकला, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी शॉर्ट्स में मेरे कुकिंग चैनल पे है, मैं उसके लिंक आपको दे दूंगी। तो बहुत ही टेस्टी ढोकला बना था। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और न्यू है तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। बाय बाय।